फैसला जब आएगा तो फिर क्या क्या हो सकता है, वो कौन कौन से विकल्प हैं। पहला विकल्प, अगर सदस्यता रद्द होती है तो फिर से महागठबंधन के नेता उनको चुन लिया जाएगा और फिर से वो सीएम पद की शपथ ले लेंगे। 6 महीने का वक्त होता है, दोबारा से वो चुनाव लड़कर विधायक बनकर अपनी कुर्सी मजबूत कर लेंगे, पक्की कर लेंगे। अब दूसरा विकल्प, चुनाव आयोग की तरफ से अगर चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दिया जाता है तो फिर पत्नी के नाम को आगे बढ़ाएंगे, पत्नी के नाम पर पार्टी में विरोध संभव है। तीसरा विकल्प ये कि अगर पत्नी के नाम पर सहमति नहीं बनती तो फिर पिता शिबू सोरेन के नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर यह तय माना जा रहा है कि सीएम की कुर्सी जो है वो जीएमएम परिवार के पास ही रखने की पूरी जुगत लगाएगा, पत्नी नहीं तो पिता, यही होगा हेमंत सोरेन का प्लान बी और प्लान सी। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित गुप्ता से जानते हैं कि सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसले का इंतजार है, फैसला सुरक्षित रखा गया है, कब तक फैसला आने की संभावना अंकित? रोमना, उम्मीद चर्चाओं का बाजार ये गर्म है कि इसी हफ्ते यानी कि अगले 2 से 3 दिनों में यह फैसला आ सकता है, क्योंकि जो सुनवाई है वो इस मामले में 12 अगस्त को पूरी हो चुकी है। और महत्वपूर्ण चीज क्या है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो हेमंत सोरेन के वकील हैं उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग से कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है और उन पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं जो बीजेपी की तरफ से भी जो वकील पेश हुए हैं, बीजेपी नेताओं की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अवैध खनन मामले में जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से सही है। लेकिन जो हेमंत सोरेन है उनके वकील दलील क्या देते रहे, उनका यह कहना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 9A के तहत यह मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर केंद्रीय चुनाव आयोग यह पाता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 9A के तहत मामला बनता है तो हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता है, उनकी सदस्यता जा सकती है। और ये जो अभी हम तमाम चर्चाएं कर रहे हैं ना कि अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी से हटते हैं तो कौन आ सकता है, तो ये संभावनाएं तब बनेंगी अगर उनकी कुर्सी पर यानी कि उनकी विधानसभा की सदस्यता जाती है। और इसी वजह से केंद्रीय चुनाव आयोग का जो अगले 2 से 4 दिनों में कभी भी फैसला सामने आएगा वो इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर अंकित की तरफ से दी जा रही है और जिन दलीलों का यहाँ पर अंकित जिक्र कर रहे थे वो सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से रख दी गई है। अब फैसले की घड़ी, इंतजार फैसले का, और ऐसे में जो अंकित गुप्ता बता रहे हैं ना कि 2 से 4 दिन का वक्त फैसला आने में लग सकता है, प्रतुल सहदेव झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतुल जी, राजनीति में तो कहा जाता है सर कि जब तक प्याली होठों तक आए तभी तक पूरा सियासी खेल जो है वो बदल सकता है। यहाँ पर तो महागठबंधन की बैठक जिसमें शशांक बता रहे हैं कि साहब 10 विधायक जो पहुंचे ही नहीं है, तो ये जो गैर मौजूदगी विधायकों की, मौका बीजेपी के लिए तो नहीं है सर, थोड़ा अपनी तरफ के भी तो पत्ते खोलिए ना। देखिए, हमारी तरफ के पत्ते कुछ नहीं है, हम मानते हैं कि ओपन एंड शट केस है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते हुए खुद माइनिंग लीज अलॉट किया था, ऐसा देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं, ये सीधा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आता है। और हम मानते हैं, बहुत आशावान है कि ये फैसला जो है हमारे पक्ष में आएगा। और माननीय मुख्यमंत्री की टीम की तरफ से ये दलील दी गई कि भाई हमने खनन लीज तो ले लिया लेकिन पत्थर नहीं बेचा, तो ये तो वही बात हुई कि आपने चोरी कर लिया लेकिन चोरी का माल नहीं बेच पाए, उससे पहले पकड़े गए। तो रुमाना जी, हम मानते हैं कि पूरा जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आएगा, हम आशावान है, अंतिम फैसले का इंतजार है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि चौतरफा भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सरकार का जाना तय है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोरेन डायनेस्टी के बहादुर शाह जफर साबित होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।